उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त प्रशासक हैं। बात चाहे कानून व्यवस्था की हो या फिर किसी और विभाग की, वो नियम के पालन पर जोर देते हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में हर विभाग में सुधार के लिए कदम उठा रहे हैं और इसी में एक है शिक्षा विभाग। यूपी में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएम योगी ने फैसले लिए और शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू कर दिया, यानी अब रजिस्टर में जाके अटेंडेंस नहीं बनाएंगे टीचर, डिजिटली होगा, ऑनलाइन। शिक्षक स्कूल समय पर पहुंचे और फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएं या फिर फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस लगाएं। लेकिन इस फैसले पर पिछले कुछ दिनों से यूपी के शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे योगी सरकार ने शिक्षकों पर अत्याचार किया। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। आज आपको इस विवाद के बारे में विस्तार से बताऊंगा। शिक्षकों के प्रदर्शन की वजह क्या है? क्या शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं या फिर कोई कारण है? उनका पक्ष क्या है? शिक्षकों के विरोध के बाद योगी सरकार अब करने क्या वाली है? योगी सरकार के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के अभिभावक क्या कह रहे हैं? आज सब कुछ आपको दिखाऊंगा। वैसे तो शिक्षा और शिक्षकों के को विवाद से दूर ही रहना चाहिए, और अगर शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका कुछ तो पक्ष होगा और इसलिए वो पक्ष आपको जानना चाहिए। दरअसल ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे से शिक्षकों की पुरानी मांगे फिर से चर्चा में आ गई। शिक्षकों की डिमांड आपको बताऊंगा, लेकिन पहले शिक्षकों के विरोध की तस्वीर देखिए। वाराणसी में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस के फैसले के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक साफ कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है, सरकार के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया में थोड़ी राहत दी जाए। साथ ही शिक्षकों की जो पुरानी डिमांड है वो भी पूरी की। एक बार शिक्षकों को सुनिए, फिर दिखाता हूं कि कैसे पूरे यूपी में शिक्षक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग पूरा कर दे, हम लोग सब चीज के लिए तैयार है। जो हमारी मांगे हैं, हाफ सीएल, टी सीएल और हमारा अपार्जित अवकाश, ये हमारा मांग ले, हम लोग पूरा तैयार है। ये ऑनलाइन अटेंडेंस के पहले ही हम लोग ने डिमांड रखी थी कि हमें सीएल, हाफ सीएल भी दिया जाए और ईएल दिया जाए, जैसा कि अन्य विभागों को मिलता रहा है। बीच में अगर हमें कोई कैजुअलिटी होती है तो हम अगर जाते हैं तो एब्सेंट, तो ये सारी चीजें व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उसको दूर कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास 14 सीएल है जिसमें पूरे साल हम लोग को अपने सारी चीजों को मैनेज करना है, तो ये संभव नहीं है, ये किसी कर्मचारी के लिए संभव नहीं है। 7:45 के बीच में अटेंडेंस लगनी है तो वो 7:45 के बीच में ऐप चलेगा ही नहीं, वो जाम हो जाएगा या बैठ जाएगा। लगाया जाए लेकिन उसके साथ कुछ हमारी शर्तें हैं उनको मानते हुए, जैसे कि 30 ईएल की हमारी मांग है, जैसे किसी आपदा की स्थिति में हम लोग अपनी ईएल ले सकें, अपनी हाफ डे ईएल ले सकें, तो ये सारी मांगों के साथ कुछ समय की छूट दी जाए, जैसे एक आध दिन किसी के साथ कोई समस्या हो जाए तो तुरंत एब्सेंट करने का ऑप्शन ना हो वहाँ पे। देखिए शिक्षक कह रहे हैं कि हमको ऑनलाइन अटेंडेंस से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें आ रही है वो भी तो देखिएगा ना बॉस, कि हमको आप कह रहे हैं कि अटेंडेंस लगाओ उसी वक्त जाम हो जा रहा है। देखिए ऑनलाइन अटेंडेंस ने यूपी के प्राइमरी शिक्षकों को एकजुट होने का मौका दिया। योगी सरकार की नियत और उसके फैसले से शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि वो सरकारी शिक्षक कहे जाते हैं लेकिन जो सुविधाएं अन्य विभाग के कर्मचारियों को मिलती हैं वो सुविधाएं इन शिक्षकों को तो मिल नहीं रही। गाजियाबाद की तस्वीर देखिए, जहां कलेक्ट्रेट के सामने शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। जौनपुर में भी शिक्षकों ने इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षक समय पर स्कूल आ रहे हैं और काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके जरिए वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर में भी शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। जैसे पूरे यूपी में सारे प्राइमरी शिक्षक एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों पर काली पट्टी बांधकर सरकार के सामने अपनी डिमांड रख रहे हैं। इसी तरह से मुरादाबाद, अयोध्या समेत कई जिलों में शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूपी सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस का जो नियम लागू किया है उसमें क्या कहा गया है पहले वो सुनिए। प्राइमरी शिक्षकों को सुबह 7:45 से 8 तक स्कूल आने पर अटेंडेंस लगाना है। दोपहर 2:15 से 2:30 तक जब छुट्टी होती है फिर अटेंडेंस लगानी। 1 अक्टूबर से प्राइमरी स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदल जाएगा, तब सुबह 8:45 से 9 के बीच में अटेंडेंस लगानी होगी और दोपहर 3:15 से 3:30 के बीच जब छुट्टी होगी तो फिर शिक्षकों को अटेंडेंस लगानी होगी। समय पर डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगने पर शिक्षक को अनुपस्थित मान लिया जाएगा। अब योगी सरकार को यह लगता है कि भाई आप वहां रहकर अटेंडेंस लगाएंगे तो भाई इसका मतलब आपको क्लास में स्कूल में रहना होगा, तभी तो टीचर वहां मौजूद रहेगा। टीचर्स का अपना पक्ष है। डिजिटल अटेंडेंस नियम के दायरे में कितने टीचर आएंगे वो भी सुनिए। डिजिटल अटेंडेंस का नियम क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू है। यूपी में करीब 1,32,000 प्राइमरी स्कूल हैं, जहां 6,09,000 शिक्षक पढ़ाते हैं। इन सभी शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। योगी सरकार ने यह नियम 8 जुलाई से लागू कर दिया।
जिसके बाद शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू किया जो अभी भी जारी है। शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस से क्या दिक्कत है वो भी आपको जानना चाहिए। डिजिटल अटेंडेंस लगाने के लिए शिक्षकों को प्रेरणा ऐप खोलना पड़ता है, एक ऐप है जिसका नाम है प्रेरणा, तो वो खोलिए और उससे उसमें अटेंडेंस लगाइए। प्रेरणा ऐप खुलने में बहुत समय लेता है ये टीचर कह रहे हैं, तब तक अटेंडेंस का समय ही निकल जाता है क्योंकि अटेंडेंस का समय ही 15 मिनट है कि भाई 8:45 से 9 के बीच लगाइए, या थोड़ा पहले स्कूल है तो 7:45 से 8 के बीच में लगाइए। अटेंडेंस स्कूल के अंदर ही लगाना है क्योंकि भाई वो उसका लोकेशन लेता है। अब आप घर बैठे बैठे लगा दीजिएगा तब तो इसमें प्रावधान ही है कि स्कूल के अंदर रहिए, वो आपका लोकेशन लेगा कि भाई स्कूल के अंदर है या नहीं है, तब अटेंडेंस लगाना है। तो टीचर कह रहे हैं कि कई बार नेटवर्क नहीं आता है वहां पे, स्कूल के अंदर दिक्कत है, तब क्या करें। प्रेरणा ऐप पर लोकेशन की दिक्कत भी आती है, कई बार लोकेशन ट्रेस ही नहीं कर पाता। अब मान लीजिए आप पहुंच गए, आप समय से पहुंचे, लेकिन आप लगा रहे हैं ऐप में आपका लोकेशन ही नहीं ले रहा, फिर क्या कीजिएगा। कई स्कूलों तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही नहीं है, कई स्कूलों में बिजली की दिक्कत है जहां डिजिटल अटेंडेंस लगाना मुश्किल होता है। तो शिक्षक कह रहे हैं कि हम लगा देंगे डिजिटल अटेंडेंस, लेकिन ये सब दिक्कत भी तो है और इसको आपको प्रैक्टिकली देखना होगा। ये समस्याएं अगर आप देखिएगा प्रैक्टिकली तो शिक्षक सही कह रहे हैं कि भाई कुछ दिक्कत है, तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि भाई आप मेरा दिक्कत आपके ऐप में है, आपके सिस्टम में, और आप मेरा पैसा काट लीजिएगा, मेरा अटेंडेंस काट लीजिएगा। इसलिए सरकार को भी डिजिटल अटेंडेंस से जुड़ी इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। हालांकि डिजिटल अटेंडेंस से यूपी में छात्रों के माता पिता काफी संतुष्ट हैं। अभिभावकों का कहना है कि समय पर स्कूल पहुंचने और अटेंडेंस लगाने में शिक्षकों को क्या परेशानी है। सुनिए अभिभावकों का पक्ष, फिर आपको बताऊंगा कि शिक्षकों की और डिमांड क्या है। सही बात अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस के लिए भाई अगर जब हम आते ही हैं, स्कूल आते हैं तो हम जैसे हाजिरी दे रहे हैं, अगर हमने बायोमेट्रिक की जगह अगर हमने फेस हाजिरी दी तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई दिक्कत आनी चाहिए। नौकरी तो नौकरी है, किसी विभाग की हो आपको करनी ही पड़ेगी, आप बहुत दिनों तक उससे भाग नहीं सकते चाहे किसी विभाग के लोग हों। तो इनको अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करनी चाहिए, न कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए। अटेंडेंस तो अच्छी बात है, उपस्थिति सबकी हाजिरी होगी, पता चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। उसमें लोग हालांकि लोग कह रहे हैं कि अरे पहुंचने में लेट हो जाए, ये अजा हो जाए, अरे तो ये चीज़ें तो महीने में एक दो बार होंगी ना, तीसों दिन तो होंगी नहीं। तो सरकार का जजमेंट सही है सर, ऐसा तो होना चाहिए। अगर सरकार ये कह रही है कि समय पर आइए, समय पर अपनी सैलरी लीजिए, समय बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों पर ध्यान दीजिए, यह तो सरकार का नियम बहुत अच्छा है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हम ये समझते हैं कि अगर अध्यापक का अटेंडेंस ऑनलाइन अगर हो जाता है, यानी जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको लग रहा है ठीक है। यूपी के प्राइमरी शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है, वो अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षकों की डिमांड क्या है वो भी सुनिए। पहली डिमांड है कि शिक्षकों को साल में 30 EL यानी इमरजेंसी लीव दी जाए। दूसरी डिमांड है कि एक साल में 15 हाफ CL यानी कैजुअल लीव दी जाए। तीसरी डिमांड है कि कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। चौथी डिमांड, पढ़ाने के अलावा किसी अन्य ड्यूटी में न लगाया जाए। पांचवी डिमांड है कि महीने में 4 दिन लेट होने पर 1 दिन का वेतन काटा जाए। छठी डिमांड है कि डिजिटल अटेंडेंस का नियम पहले अधिकारियों पर लागू किया जाए। यूपी के प्राइमरी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी आवाज सरकार तक भी पहुंच रही है, लेकिन इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षकों के प्रोटेस्ट के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 500 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए ना तो सरकारी आवास होते हैं, ना दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। बिना व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किए, बिना डिजिटल अटेंडेंस, बिना मतलब उसको हटाए, उसको सॉल्व किए, डिजिटल अटेंडेंस संभव नहीं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर डिजिटल अटेंडेंस लगानी है तो इसे मंत्रियों पर लागू करें, अधिकारियों पर भी लागू करें। अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी ने भी डिजिटल अटेंडेंस का विरोध किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को शिक्षकों की पुरानी मांगों को सुनना चाहिए, ऑनलाइन अटेंडेंस से जुड़ी आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए, शिक्षकों पर ऑनलाइन अटेंडेंस थोपना सही नहीं। डिजिटल अटेंडेंस के जरिए सीएम योगी यूपी की शिक्षा व्यवस्था में नया बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षकों के विरोध के बाद अब सीएम योगी ने भी अधिकारियों को नया निर्देश दिया है, जिससे यह विवाद सुलझने का संकेत मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरें और शिक्षक संगठनों से बात करें, शिक्षकों पर सख्ती बरतने से पहले सभी को डिजिटल अटेंडेंस पर राजी करने की कोशिश करें।
शिक्षकों से बात करके डिजिटल अटेंडेंस के सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक स्कूलों में जाएंगे, शिक्षकों से बात करके डिजिटल अटेंडेंस पर समस्याएं सुनेंगे और उसे दूर करेंगे। अब यही सीएम योगी की पहचान है कि वो समस्याओं को निपटाने में विश्वास रखते हैं, खत्म करने में विश्वास रखते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो शिक्षकों का पक्ष देख रहे हैं और अधिकारियों से कह रहे हैं कि जाओ ना भाई, जमीन पे देखो उनको क्या दिक्कत है, उनसे बात करो, तभी ना सोल्यूशन मिलेगा। तो अधिकारियों को भी कई बार समझना चाहिए, क्या है सीएम योगी अच्छी चीज सोच रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, शिक्षक अच्छा पढ़ाना चाह रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है ऐप की और दूसरी चीजों की, अधिकारी बीच में बस हमने लागू कर दिया वाला हिसाब में रहते हैं। तो थोड़ा उनको भी शिक्षकों की समस्याएं देखनी चाहिए, कर्मचारियों की समस्याएं देखनी चाहिए।